हेलो स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर से ट्वेंटी सेवन्थ नवंबर तक आपका आर्यवर्ट गणित चैलेंज ट्वेंटी ट्वेंटी टू का फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा सो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है जिसमें इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके के गिवन है मैक्सिमम मार्क्स फोर्टी ड्यूरेशन वन आवर एंड नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर ऑल क्वेश्चन कैर इक्वल मार्क्स मतलब फोर्टी मार्क्स और फोर्टी ही क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और टाइम आपके पास रहेगा सिक्सटी मिनट्स एंड रफ वर्क के लिए आपको हर एक पेज में कुछ स्पेस प्रोवाइड किया गया है एंड देर इज नो सेपरेट आंसर शीट गिवन मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर ओनली आफ्टर फिनिशिंग द वर्क रिटर्न योर क्वेश्चन पेपर मार्क्ड विद द आंसर्स टू द इनविजिलेटर तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बट स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ ही क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं कर सकता बिकॉज इसमें आप सभी का नुकसान है खासकर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर मैं अभी इस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ शेयर कर देता हूँ सो so, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं ट्वेंटी नवंबर के बाद में डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा हालांकि सारा पेपर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं अभी बट फिर भी कुछ तीन चार क्वेश्चंस सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग के तीन चार क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है सुमन इज प्लेइंग अ गेम विद हर मैथ बुक Having pages numbered from one to one forty five, she opens the book at a random page and adds the two facing page numbers. She notes down the total obtained as a score for that turn and plays this game for a few turns. What can you say about the scoring each turn? Students यहाँ पर एक book है और उसमें numbering कहाँ से कहाँ तक है one to one forty five तो जब भी हम कोई भी book को open करते हैं तो हमें पता है कि दो page हमारे open होते हैं तो उन दोनों कंजीग्यूटिव पेजेस को जब ऐड करेंगे मतलब उसके ऊपर जो नंबर है उनको जब ऐड करेंगे तो क्या नंबर आता है तो इसके लिए आपको एक चीज समझना जरूरी होगी कि कोई भी दो कंजीक्यूटिव नंबर अगर हैं तो उसमें एक रहेगा आपका ओड नंबर और दूसरा रहेगा इवन नंबर और आपको यह चीज समझनी है कि अगर एक ओड और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा आपको ओड नंबर मिलेगा ठीक है सो वट कैन यू से अबाउट द स्कोर इन ईच टर्न तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक बार उन दोनों का सम ओड नंबर आएगा एकदम ईजी और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये ठीक है आप इजिली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं कंसिडर अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन गिवन बाई एफ एक्स ए बी एस स्क्वेयर क्यूब ऑफ एक्स वेयर ए बी एस एक्स इज द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स एस क्यू एक्स इज द स्क्र ऑफ एक्स एंड सी यू एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स देन एफ माइनस एट इज यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी एब्सुलूट वैल्यू हम बोलते हैं मोड एक्स भी हम इसको बोल सकते हैं मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर अगर आपके पास माइनस फोर है तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एब्सुलट वैल्यूनस यहां पर साइन मैटर नहीं करेगा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी तो एफ माइनस एट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो जो यहां पर आपके पास एफ एक्स गिवन है यहां पे जस्ट एक्स को रिप्लेस कर दो आप माइनस एट से देखते हैं कि क्या आएगा एफ माइनस एट इज इक्वल टू एब्सुलट वैल्यू ऑफ स्क्र ऑफ क्यूब रूट ऑफ माइनस एट इसको सोल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ माइनस एट का क्यूब रूट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जैसे माइनस टू का जब हम क्यूब करते हैं तो वो माइनस एट आता है वैसे ही जब माइनस एट का जब क्यूब रूट करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा माइनस के नंबर का जब भी आप क्यूब रूट करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू अब इसके बाद में रख देंगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ माइनस टू तो स्क्वेयर ऑफ माइनस टू करेंगे तो फोर तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर तो फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू फोर के इक्वल होगी अगर यहाँ पर माइनस फोर आता तो हम कह सकते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फोर इज ऑल्स इक्वल टू फोर बट ऑलरेडी क्योंकि प्लस फोर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फोर ही रहेगी तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट

जब हम ये तीन पंच मतलब फोल्ड करने के बाद तीन पंच करने के बाद इसको दोबारा से रीओपन करेंगे तो इनमें से कौन सी शेप बनेगी ये आपका क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स एकदम ईजी क्वेश्चन है आपको पता है कि डायग्नली हमने इसको फोल्ड किया था तो डायग्नली फोल्ड करने के बाद में ये तीन पंच किए थे हमने और इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से तीन पंच दूसरी साइड में भी आपको दिखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर नाउ मूविंग टू टूअवर लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये फोर्थ जो बाकी के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं अभी आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगा बिकॉज आपका जो एग्जाम होगा वो ट्वेंटी सेवन तक है आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए उसके बाद में ही मैं बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा सी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अ सीड टेक्स थ्री डेज टू जर्मिनेट एंड ब्रेक द सोइल आफ्टर बींग सोन आफ्टर दैट द प्लांट ग्रोज एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ईच वीक इन हाउ मेनी डेज फिल इट ग्रो टू द हाइट ऑफ सेवन सेंटीमीटर अबो द सोइल अबो द सोइल तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक कॉन्स्टेंट रेट है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेवन डेज में तो कितने दिन में सेवन सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी उस सीड की ये हमारा क्वेश्चन है तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कोई भी सीड को उगने में टू जर्मिनेट एंड ब्रेक द सोइल थ्री डेज लग रहे हैं थ्री डेज का टाइम लग रहा है और यहां पर थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फॉर सेवन डेज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फॉर सेवन डेज तो इसका जो डबल रहोगा रहो सेवन सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेवन का डबल टाइम मतलब फोर्टीन डेज तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उसको सेवन सेंटीमीटर ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा थ्री डेज जो उसको जर्मिनेट और ब्रेक द सोइल मतलब उगने में लगा और उसके जो लेंथ सेवन सेंटीमीटर उसमें लगा फोर्टीन डेज तो टोटल जो डेज लगेंगे वो होंगे फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन डेज सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विच आई विल पोस्ट आफ्टर ट्वेंटी सेवन नवंबर थैंक यू